ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार दोपहर में 1:02 पर सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कन्या राशि बुध देव की राशि पृथ्वी तत्वी राशि मानी जाती है। यहां पर 16 अक्टूबर 2021 तक सूर्य गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सूर्य का परिवर्तन जब भी होता है तो इसको संक्रांति कहा जाता है। तो कन्या संक्रांति की समयावधि में पितृपक्ष भी आरंभ होते हैं, तो इस संक्रांति का बहुत ही खास महत्व होता है। और दूसरे महत्व का कारण यह है कि सूर्य और बुध की युति भी इस माह होगी, जिससे बुधादित्य राजयोग निर्मित होगा। गुरु की दृष्टियां सूर्य के ऊपर आएंगी, मंगल के साथ भी सूर्य की युति होने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की सौगातें देखने के लिए मिल सकती है। सूर्य के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो सूर्य को ग्रहों का राजा सात्विक ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह, क्षत्र ग्रह माना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति का, राजसी जीवन का, राजनीतिक जीवन का, सत्ता सुख का कारक ग्रह माना जाता है। मुख्यतः इन विषयों पर सूर्य पूर्णतः प्रभावी होते हैं। जन्म कुंडली पर ऐसा भी कहा गया है कि सूर्य कई ग्रह के अप्रभावी होने के बावजूद भी यदि प्रभावी और पूर्णतः बली स्थितियों में हो तो जातक को जीवन में कम मेहनत में सफलता और जीवन में उन्नति चौतरफा देते हैं। सूर्य के बली होने पर मनोबल में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। जातक जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए समर्थ होता है। सरकारी राजनीतिक जीवन में बेहतर सफलता देखने के लिए मिलती है और सूर्य के बली होने पर लीडरशिप क्षमता जातक के अंदर एक और होती है। वहीं विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बावजूद भी जातक के अंदर पर्याप्त ऊर्जा देखने के लिए मिलती है और बाहर निकलने की क्षमता भी देखने के लिए मिलती है। सूर्य के पीड़ित होने पर आत्मा और मन में घबराहट, पित्त से संबंधित रोग, घुटने और हृदय से संबंधित रोग, आंखों में चश्मा चढ़ जाना, पीलिया जैसे रोग देखने के लिए मिलते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के, तुला राशि में नीच के माने जाते हैं और सिंह राशि में ये राशि स्वामी माने जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। कर्क राशि वाले जातकों की राशि के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और कन्या राशि में सूर्य का गोचर होने से कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। तो इस समयावधि में, इस एक माह की समयावधि में पराक्रम भाव में सूर्य के प्रवेश होने से कर्क राशि वाले जातक करियर के क्षेत्र में उत्साह वर्धन के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे। यदि मन में हताशा, निराशा और चुनौतियां जीवन में ज्यादा देखने के लिए मिल रही थी तो एक बेहतरीन गति कार्य में देखने के लिए मिलेगी। सूर्य के इस परिवर्तन के फलस्वरूप कर्क राशि के जातक वाणी में काफी ज्यादा प्रगाढ़ता रहेगी, लीडरशिप क्षमता कर्क राशि के वाले जातकों की रहेगी, व्यापारिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं,
व्यापार का नवीनीकरण हो सकता है और मन में प्रसन्नता भी यह गोचर लेकर आने वाला है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं और परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी असफलताएं ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो इस परिवर्तन के फल स्वरूप संभावनाएं आपके लिए ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है। यदि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अनबन देखने के लिए मिल रही थी, यह दूर होती हुई नजर आने वाली है। कर्क राशि वाले जातक ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं और निरंतर समस्याएं देखने के लिए मिल रही है, सूर्य के इस परिवर्तन के फल स्वरूप यहां पर स्थितियां आपके लिए सुदृढ़ और बेहतर बनी हुई रह सकती है। धन को लेकर संभावनाएं उत्तम बनी रहेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ सकता है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों की राशि के भाग्य भाव पर सूर्यदेव दृष्टि दे रहे हैं, जिससे कर्क राशि के जातक धर्म की ओर काफी ज्यादा झुकते हुए नजर आएंगे। परिवार के सदस्यों को लेकर धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। वहीं कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके पिता के साथ संबंध खराब स्थितियों में थे और जिसके कारण आपको मानसिक रूप से अशांति देखने के लिए मिल रही थी, तो पिता से भी संबंधों में सुधार देखने के लिए मिलने जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य का विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो ये तो रहा कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य के परिवर्तन का प्रभाव। कुछ खास उपाय आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले रविवार के दिन जन्म कुंडली पर सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्घ देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य देव के लिए दान किया जाता है और यह दान रविवार के दिन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्योदय के समय गेहूं, गुड़, तांबा, केसर, लाल चंदन, खांड, इन चीजों का दान कर सकते हैं, तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। सूर्य के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए कोशिश करें कि पिता के साथ आपके संबंध उत्तम बने रहें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने बेहतर स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।